हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफर यूट्यूब चैनल मनोज सिंह। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं इंटरनेट पे या फिर आपके पीसी में आपने चेक किया होगा, आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा कि इससे होता क्या है कि आपके प्रोसेसर की पावर डबल हो जाती है। इससे आपके सीपीयू की पावर बिल्कुल डबल हो जाती है, प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो फिजिकल कोर्स होते हैं वो उतने ही रहते हैं। डुअल कोर है तो वो डुअल कोर ही रहेगा, क्वाड कोर है तो क्वाड कोर ही रहता है। यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपके प्रोसेसर की पावर डबल करता है तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर और पीसी जब मार्केट में आए थे, यहाँ पे उनके लिए जरूरत होती थी प्रोसेसर्स की, तब उस समय आते थे सिंगल कोर प्रोसेसर जो कि एक बार में एक ही टास्क को कंप्लीट करते थे, यानी कि जो कि सामने स्क्रीन पर हमें प्रोसेस दिख रहा होता था वही एक बार में कंप्लीट किया जाता था उस कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे हमें और ज़्यादा सीपीयू पावर की जरूरत पड़ने लगी। यहाँ पे काम में लिए गए मल्टीपल कोर्स वगैरह, जैसे कि आप देखते हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर वगैरह। यहाँ पे मल्टीपल कोर्स आने की वजह से सीपीयू की पावर यानी कंप्यूटर की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह में हमें। लेकिन आजकल आते आते धीरे धीरे हमें और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत पड़ने लगी, तो यहाँ पे अगर उसमें और कोर्स बढ़ाई जाती हैं तो हो सकता है प्रोसेसर का साइज बढ़ा, जिस वजह से आपके लैपटॉप्स वगैरह में फिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे दोस्तों काम में लिया गया हाइपर थ्रेडिंग का। यहाँ दोस्तों हाइपर थ्रेडिंग होता क्या है कि एक तरीके से आप मान लीजिए आपके प्रोसेसर में फिजिकल कोर्स तो उतनी ही रहेंगी, जैसे कि अगर डुअल कोर है तो डुअल कोर रहेगा, क्वाड कोर है तो क्वाड कोर रहेगा। लेकिन हाइपर थ्रेडिंग होने से यहाँ पे आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि बिना उसमें कुछ और चेंज किए, बिना उसमें और कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा किए, बिना उस प्रोसेसर को चेंज किए, उसके डिज़ाइन में कुछ चेंज किए, आप वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपने एक तरीके से वर्चुअल कोर्स डाल दिए हैं, जिस वजह से होता क्या है कि आप उन्हीं सेम प्रोसेसर्स को और एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर पाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो डुअल कोर प्रोसेसर है मान लीजिए, तो वहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर अपना प्रोसेस कंप्लीट करके कई बार आइडल बैठा रहता है, उसके पास प्रोसेस आते नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि उन डुअल कोर के जो सिंगल कोर है मान लीजिए, तो वहाँ पे वो एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, इतने में दूसरा प्रोसेस आने में उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस वजह से होता क्या था कि थोड़ी सी प्रोसेसिंग पावर हमें लो देखने को मिलती थी। लेकिन हाइपर थ्रेडिंग की वजह से होता क्या है कि यहाँ पे हर एक सीपीयू फिजिकल सीपीयू कोर के लिए दो लॉजिकल कोर्स होते हैं, यानी कि अगर आपका डुअल कोर प्रोसेसर है तो वहाँ पे उसमें चार लॉजिकल कोर्स मिलेंगे। वो जो कोर्स होते हैं वो करते क्या हैं कि एक फिजिकल कोर को कॉन्स्टेंटली वर्क प्रोवाइड करते रहते हैं, यानी कि जैसे जैसे वो काम कंप्लीट करता जाता है अपना सिंगल कोर, तो यहाँ पे जो हाइपर थ्रेड वाले डुअल कोर होते हैं तो वो अपने इतने में बाकी प्रोग्राम्स को रेडी करते हैं कि अब इनको एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्रोसेस को वो देखते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए कि अगर आप एक सिंगल लेन हाईवे पे हैं, वहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता क्या है कि यहाँ पे डबल लेन एक तरीके से प्रोसेसर बन जाता है, यानी कि एक बार में दो गाड़ियाँ जा सकती हैं, यानी कि किसी भी काम की प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, और यहाँ पे इसको काफ़ी एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाता है बिना फिजिकल कोर्स में कुछ चेंज किए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक कोर के पीछे दो लॉजिकल कोर्स होती हैं जो कि उस मेन कोर को वर्क प्रोवाइड करती रहती हैं, और यहाँ पे ये जो दो लॉजिकल कोर्स होती हैं ये डाटा देखती रहती हैं कि अब क्या काम कंप्लीट करवाना है मेन कोर से। यहाँ पे दोस्तों इसका एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने पीसी को यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका एंटीवायरस के अपडेट चेक हो रहे हैं, आपके विंडोज़ के अपडेट चेक हो रहे हैं, तो चेक करने का काम है वो ये लॉजिकल कोर्स करते हैं, और उनको अपडेट करने का काम करके आपको नोटिफिकेशन देना कि हाँ भाई आपका पीसी अपडेट होकर रेडी है, आपको रिस्टार्ट करना है, तो ये जो मेन काम होता है ये आपके मेन फिजिकल कोर्स करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से होता क्या है कि आपके जो मेन फिजिकल कोर्स होते हैं वो बिल्कुल आइडल नहीं रहते, वो लगातार काम अपना करते रहते हैं, और जो बाकी के दो कोर्स होते हैं वो बैकग्राउंड में देखते रहते हैं कि आप क्या प्रोसेस कंप्लीट करवाना है मेन कोर्स से। तो यहाँ पे इस तरीके से उसको काफ़ी एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाता है, जिससे होता है क्या कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जो डुअल कोर प्रोसेसर है वो क्वाड कोर की तरह काम करने लगता है, क्योंकि इसमें आप उसकी काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं अपने मेन दो कोर्स से। यहाँ पे दोस्तों यही था हाइपर थ्रेडिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर इस तरीके और वीडियो आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं और पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।